नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में रुखसाना कौसर ने 13 साल पहले जिस तरह जाबाजी दिखाते हुए आतंकवादियों से टक्कर ली थी, उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संबोधन में रुखसाना की बहादुरी का जिक्र कर चुके हैं। अब हिंदी फिल्म उद्योग भी रुखसाना की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहता है। फिल्म निर्माता अशोक चौहान और निर्देशक आसिफ अली की फिल्म में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर रुखसाना का किरदार निभाने जा रही हैं। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अंतर्गत आने वाले कलसिया गांव की बहादुर लड़की रुखसाना कौसर ने 27 सितंबर 2009 की रात को अपने घर में घुसे लश्कर ए तैयबा के एक शीर्ष पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था और एक अन्य आतंकी को घायल कर दिया था। रुखसाना और उसके भाई बहनों ने मिलकर आतंकवादियों से जमकर टक्कर ली थी। रुखसाना ने एक आतंकवादी को कुल्हाड़ी से मार डाला था तो दूसरे की राइफल छीनकर उसे घायल कर दिया था। इस संघर्ष के दौरान रुखसाना के माता पिता राशिदा और नूर हुसैन भी घायल हो गए थे। खास बात यह थी कि 27 सितंबर की इस घटना से पहले रुखसाना ने कभी भी हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी थी, लेकिन उस दिन उसने बहादुरी की मिसाल कायम की। भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तथा तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने भी रुखसाना की बहादुरी की तारीफ की थी। आइए देखते हैं अपने ऊपर बनने जा रही फिल्म के बारे में और उस रात की कहानी के बारे में क्या कह रही हैं रुखसाना। 27 सितंबर 2009 की बात है कि हमारे घर में उग्रवादी घुस आए थे और जब वो दरवाज़ा खड़खड़ाने लगे तो उसके बाद हमने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर मेरे अंकल जी को उठाकर लाए तो हमने दरवाज़ा खोल दिया तो मेरे पापा और मम्मी को पटाई करने लगे। और उसके बाद जब मेरी मम्मी पापा को इतना मारा और उनके मुंह से खून बहना शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमने देखा तो मेरे भाई ने वहाँ एक साइड में कुल्हाड़ी पड़ी हुई देखी तो उसने एक उग्रवादी के कांधे पे मारकर उसका कांधा जब कट गया तो उसकी राइफल छीन ली। और उसके बाद मेरी तरफ आने लगे दूसरे रूम में, तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी तो मैंने अबू इसामा को उसी कुल्हाड़ी के साथ उसकी पीठ पे वार किया और उसको मार गिराया। तो उसको उसकी AK-47 छीन कर तो मैं पुलिस स्टेशन पे चली आई। मुझे पता नहीं था गन कैसे चलाते हैं, मगर मैं ऐसे टीवी में देखती रही कैसे करते हैं कैसे नहीं। मैं बस उसी के इंस्पिरेशन पे मैंने ऑलरेडी से तो वो राइफल तो कहा की थी जब वो घटना हुई थी, तो जब इंस्पिरेशन मिला और मैं इस वक्त सिलेक्शन ग्रेड हूँ पुलिस की, तो इसमें जेंट के पुलिस में हूँ और मैं ट्रेन करके आई हूँ और मुझे सब पता चल गया कि राइफल कैसे चलाते हैं और क्या करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मैं हर जगह सामना कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं बिल्कुल ट्रेनिंग में, उसको मैं बिल्कुल अनट्रेन थी, अब मैं ट्रेन हूँ। मेरी फिल्म जो बन रही है श्रद्धा कपूर मेरा रोल कर रही है और वो एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म बनेगी और मैं उस श्रद्धा कपूर का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ कि जो मुझे इस फिल्म में मेरा नाम लिया और मेरे हर सुर्खियों में मेरा नाम बन रहा है। बहुत अच्छा रुतबा दिया और साथ में मुझे DGP ने एक जीवन रक्षा मॉडल दिया था और गवर्नर साहब ने मेडल दिया और प्रीता पाटिल ने कीर्ति चक्र अवार्ड दिया जिसके साथ मुझे उन्होंने पेंशन मेंशन किया और साथ में श्रद्धा कपूर। जब मेरी धीरे धीरे सुर्खियां बढ़ती जा रही थी और साथ में श्रद्धा कपूर ने मेरी फिल्म पे एक रोल बनाया और साथ में मुझे एक बहादुर लड़की के और मेरे जज्बे में और मेरा जज्बा दिखाने के लिए और पूरी महिला के लिए कि एक महिला इतनी पीछे रह गई और उसकी फिल्म अभी तक नहीं बनाई और श्रद्धा कपूर ने कहा कि मैं उसका रोल करूंगी और उसका नाम मैं बड़ा करूंगी क्योंकि वो एक पूरी जम्मू कश्मीर की एक बहुत बहादुर लड़की है। तो उस बहादुरी पे उन्होंने मुझे ये मेरी फिल्म बनी है जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।